वेलकम गाइस, हाँ दिस इज प्रियंका। प्रियंका के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। काफी टाइम हो गया मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, रीजन कि हमारे एग्जाम थे, उसमें अपन बिजी हो गए थे, इस वजह से नहीं आ रहे थे। और अब कंटिन्यू हमारा ब्लॉग आएगा। देखिएगा हम दोनों कैसे एक दूसरे को चैलेंज करते हैं पढ़ाई में, कुछ याद करने में हो गया, और धीरे धीरे ये ब्लॉग का सिलसिला चलते रहेगा। उम्मीद है कि आप सब हमें बहुत प्यार देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ करंट अफेयर की नोट्स बनाई है मेरी फ्रेंड, तो मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दो दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मैं क्लास नहीं जा पाई, और इस वजह से मैं इसकी नोट्स पढ़ लूँगी और फिर दोबारा मैं क्लास लेके नोट्स बना लूँगी और मेरे लिए ईजी पड़ जाएगा। अब देखो सुष्मिता क्या कर रही है। हे सुष्मिता, क्या कर रही हो? क्या जोर से बोल। किस चीज़ की क्लास ले रही हो? ठीक सी क्लास चल रही है। और ये तुम्हारे हेडफोन में क्या है, किस लग रहा है, कोई बात बातचीत चल रहा है क्या? ये तो गाइस कुछ ऐसा था कि मन आसान सा था और मन हो रहा था कुछ किया था, तभी उसने बोला कि यार मुझे काफी दिन से मैं काम करवाना चाह रही थी, तो वो काम क्या पूर्ण कर सकते हैं? अरे हाँ क्यों नहीं कर सकते, बोलो सही। उसने ऐसी बात रख दी और ऐसे जगह पे जाने की बात कर दी, तो आप लोग देख रहे होंगे पिक्स में, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियोस में कहाँ गई है। तो मैं आपको ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं ये बताऊँगी, अपन जा रहे हैं मजनू का टीला। ये मैडम का था कि हमें जाना है मजनू का टीला हेयर कट लेने, तो हम लोग पहुँचते ढूंढते ढूंढते 4-5 सैलून जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि आज तो कट होने से रहा। आप ही गेस करें कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं, तो बताएंगे कि कहाँ आए हुए हैं। तब तक हम लोग घूमते हैं, पता करते हैं चीजें कहाँ मिलेगी, जो चीज हमें चाहिए। ठीक है सुष्मिता, ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी काफी थक चुके हैं। क्या है इधर? क्यूट क्यूट टॉयज है, आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहे हैं सीक्रेट इमेजेस हैं। फिर अपन सैलून पहुंचे, पहुंचते ही सुष्मिता बोली कि पता नहीं यार क्या ही है, मैं कौन सा कट लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं देखी यार सैलून इतना प्यारा सा, उन लोगों ने इतना अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, वहाँ पे एक ट्री रखा था, मतलब एक प्लांट, बहुत मतलब वहाँ का वाइब्स बहुत अच्छा था। मतलब हालांकि हेयर कट के चार्जेस बहुत हाई थे, मुझे लगा कि पता नहीं अपन कहाँ आ गए हैं, आज स्टूडेंट अपन लूट ही जाएंगे, क्योंकि पॉकेट मनी से लगाओ फिर हेयर कट करवाओ, ऐसे कटनी चाहिए, ऐसे चाहिए आगे में, ऐसे चाहिए। भैया ने उन्हें कहा, समझाया कि यार तुम ऐसा कर लो, ऐसे रहने दो, आज ट्रेंड में चलो, नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसे ही चाहिए नोज के ऊपर से, नहीं है मुझसे पूछ। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. कट लेने के बाद इसके होंठ में जो स्माइल थी ना, बहुत अच्छा लगा। भैया ने भी बहुत समय दिया इसके ऊपर कि तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसा देने के लिए तैयार हूँ, तुम खुश रहो बस, कि तुम खुश हो जाओ हमारे कट से।